आधा किलो बोनलेस चिकन में ढेर सारे पकोड़े तैयार है। क्या आवाज सुन सकते हैं आप? अच्छे क्रिस्पी बने हैं। आधा किलो चिकन बोनलेस चिकन में ढेर सारे पकोड़े झटपट बनने वाले। वीडियो पूरी वॉच करिए और जरूर बनाइए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल में चिकन पकोड़ा। चिकन पकोड़े के लिए बोनलेस चिकन ले मैं 1/2 kg और इसको वॉश कर लिए और छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में इसको कट कर लिए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 teaspoon भर के नमक, 1 teaspoon लाल मिर्ची, 1/2 teaspoon हल्दी, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर ये भुने हुआ पिसे हुआ है, 1/2 teaspoon काली मिर्ची, 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये सारी चीज़ों को पहले अच्छे से लगा हाथ से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चियों को बारीक कट कर लिए, थोड़ा सा कोथमीर है, थोड़ा सा करियापाक को भी बारीक कट कर लेना। ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 tablespoon बेसन है, 1 tablespoon चावल का आटा। चावल का आटा पिसे हुआ बाजार में मिलता, जनरल स्टोर पे आसानी से मिल जाता और ये पकौड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा, ज़्यादा इसको हम कच्चा पतला करना नहीं है, बिल्कुल ड्राई रखना है। थोड़ा सा पानी डालना, सारे मसाले चिकन को अच्छे से लग जाना और अच्छा आसानी के साथ मिल जाने के लिए थोड़ा सा पानी में ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा 2 चुटकी खाने का रेड कलर, फूड रेड कलर 2 चुटकी, ये टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल सकते हो चाहे तो स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मैं हाथ से अच्छे से मिला ली। मसाले, जो बेसन, चावल का आटा, जो सारी चीज़ें डाले हैं, हम अच्छे से चिकन को लग भी जाना और ड्राई भी रहना, बिल्कुल पतला नहीं करना, उससे क्रिस्पी नहीं होते, ये जल्दी क्रिस्पी होते पकोड़े। अब इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए ढाँप के छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, अगर टाइम है तो 1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ देना। बिल्कुल आसान तरीके से है और ज़बरदस्त बनने वाले हैं। इसको सिर्फ मैरिनेशन के लिए टाइम लग रहा, तलते वक्त तो जरी देर में फ्राई हो जाते, और इसको कवर कर देंगे, ढाँप के छोड़ देंगे, ढाँप के 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। चलिए 1.5 घंटा हो गया, थोड़ी सी और थोड़ी कोथमीर डाल के इसको मिला लेंगे। अब इसको एक एक पीस लेते जाएंगे, इस तरह से एक एक पीस लेते जाएंगे और खुला खुला एक एक पीस लेते जाएंगे, डीप फ्राई करते जाएंगे। डीप फ्राई के लिए मैं ऑयल रख दी, ऑयल को मीडियम गर्म रखना, ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करेंगे। चिकन डालने के बाद इसको टच नहीं करना, थोड़ी देर के बाद इसको मिला लेना। तो 5 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाती है। साइडों को इसको इसकी बदली में गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, निकाल देंगे। चिकन मैरिनेट जो करें हम उसमें गल जाता कितना कितना। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही, और ये तलना तो एक थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर फ्राई हो जाते। इसी तरह हम सारे चिकन पकौड़ी फ्राई कर लेंगे। चिकन पकौड़ा बनाने के बाद सर्व करते वक्त उसके ऊपर से हरी मिर्ची और करियापा को फ्राई करके, इससे लुक भी अच्छा दिखता पकौड़े का और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता।
बिल्कुल आसान तरीके से झटपट बनने वाले, सिर्फ मैरिनेशन के लिए टाइम लगता है। अगर मैरिनेशन को टाइम नहीं है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, जल्दी गल जाने वाला चिकन है ये। और इफ्तार में आप इफ्तारी के टाइम रखेंगे तो सबको पसंद आएंगे। इसमें मेहनत भी नहीं है, बनाना भी आसान है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर से क्रिस्पी है अंदर से जूसी। और ये जो हम डाले इसका माशाल्लाह जायका, सबका हरी मिर्ची जो पीस के डाले जा रहे हैं, ड्राई मसाला डाले, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। चलिए मेरी चिकन पकौड़े की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। देखिए माशाल्लाह, ये आप पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से झटपट बनने वाले पकौड़ियाँ हैं, प्याज के और पालक के, आलू की खट्टी मीठी चटनी के साथ और टमाटो केचप के साथ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ तीन किस्म के पकौड़ी, आलू की, प्याज की और पालक की। इसके लिए मैं एक बड़े से इसका आलू ली और इसको कद्दूकस कर ली। इसको दो तीन पानी से वॉश कर देना, दो तीन पानी से वॉश करके जो इसकी इसका स्टार्च रहता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इसको पानी में छोड़ देना, जब बनाने का रहता जब थोड़ी देर पहले इसको छन्नी में छान लेना। और दो दो बंचस है, दो बंचस पालक के मोटा मोटा कट कर ली, दो मीडियम से इसके प्याज को भी खड़ा और मीडियम कट करिए, बिल्कुल बारीक भी नहीं ज़्यादा मोटा भी नहीं। पालक को एक कटोरे में ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे टू टेबल स्पून बेसन है, 1 टेबल स्पून चावल का आटा। अब रमज़ान स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह ताला, आप ज़रूर चावल का आटा मंगा कर या पिसा कर रख लिए। बाज़ार में जनरल स्टोर में आसानी से अवेलेबल है चावल के आटे, 1 किलो आधा किलो के पैकेट्स में आप मंगा के रख लिए। रमज़ान तमाम आपको भजिया और पकौड़ी में बहुत काम आएगा, चावल का आटा डालने से क्रिस्पी होते हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी और खाने का सोडा 1/4 पाव चाय का चमचा। अब इसमें पानी नहीं डालेंगे, इससे ही मिलाते जाएंगे। जब ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी इस पर स्प्रिंकल करेंगे, ज़्यादा डालना नहीं। और इसका जो मॉइस्चर रहता पालक में जो रहता उससे ही तकरीबन तो भीग ही जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। इसको मैं हाथों से इसको मिक्स कर ली, इसमें मैं पानी नहीं डाली, जो इसका मॉइस्चर था पालक का उससे भीग गया, ये काफ़ी है। इसको ज़्यादा पानी की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और बेसन भी ज़्यादा न डालना, सिर्फ कोट होना पकौड़ी के लिए। अब इसको हम ये भिगाने तक मैं कढ़ाई रखती हूँ, उसमें डीप फ्राई के लिए ऑयल डाल दी। अब फ्राई करना रहा तो हम इसको हल्के हाथों से इस तरह से इसको छोड़ते जाएंगे ऑयल ऑयल में। इसके लिए मैं कढ़ाई रख दी, उसमें डीप फ्राई के लिए ऑयल डाल दी। ऑयल मीडियम गर्म रहना, ज़्यादा ओवर भी नहीं रहना और ठंडा भी नहीं रहना। ठंडा रहा तो इसकी कोटिंग निकल जाती है। इसको हम इस तरह से छोड़ते जाएंगे। इसको डालने के बाद टच नहीं करना, थोड़ी देर के बाद इसको साइडों को पलटना। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया, अब निकाल देंगे। झटपट बनने वाली ये पकौड़ी है। रमज़ान में इफ्तार के टाइम आप जब का जब भिगा के, और भिगाते वक्त मैं कढ़ाई रख दी, जब तक ये भिगे जब तक कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो गया। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। हमारी पालक की पकौड़ी तैयार है, अब प्याज की पकौड़ी तलेंगे। पालक की पकौड़ी तैयार है, अब प्याज की पकौड़ी तलेंगे। प्याज की पकौड़ी के लिए प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हाथ से इसको क्रश चूर लेना, खुले खुले कर लेना, खिले खिले कर देना इसको प्याज को।
प्याज को हाथ से चूत ली। अब इसमें 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून चावल का आटा, अगर थोड़ा बहुत कम पड़ा तो ऐड करेंगे, लेकिन अब फिर वक्त इतना ही काफ़ी है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन, 1 टीस्पून लाल मिर्ची, 1 टीस्पून अदरक लहसुन, 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी। थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद 1/4 पाव चाय का चम्मच खाने का सोडा। अभी सारी चीज़ों को हम हाथ से मिला लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा कटे हुआ करिया पत्ता, इससे प्याज का फ्लेवर बहुत डबल हो जाता, बहुत अच्छा दिखता इसका टेस्ट। बिल्कुल ड्राई है, इसका मॉइस्चर इसमें बराबर मिक्स नहीं हुआ, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे बस। हाथ से मैं इसको मिला ली। अब इसमें हम ज़्यादा पतला करना नहीं है और ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं है, जितना डाले उतना काफ़ी हो गया। अब इसको जिस तरह हम पालक की पकौड़ी तलते वक्त करें, पहले हाथ को कच्चा कर लेना। हाथ को कच्चा करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा लेकर इसको खुला खुला ऑयल में छोड़ते जाना, इसको थोड़ा थोड़ा जितना हमको साइज बनाना है उस हिसाब से। इस तरह देखिए पालक की पकौड़ी जिस तरह हमको चाहिए थी उस तरह, बाजार में जिस तरह मिलती, चलिए जो ऑयल था मीडियम गर्म हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा इसका बैच छोड़ते जाएंगे। डालने के बाद इसको चेक टच नहीं करना, जब हल्का सा ब्राउन होना शुरू होता एक साइड, जब उस साइड को चेंज करेंगे। कच्चा डालने के बाद अगर साइड कर आप चेंज करने जाएंगे तो इससे कोटिंग निकल जाएंगे और ये जो कंबाइंड बने हुए हैं प्याज के लच्छे पूरे खुले हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चलिए हमारी पकौड़ी गोल्डन ब्राउन हो गई, अब इसको निकाल देंगे। इस तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको खुला रखेंगे इस तरह से और ऐसा छोड़ते जाएंगे। आलू की पकौड़ी बनाएंगे, इसके लिए मैं ली हूँ 1 बड़े साइज का आलू, कद्दूकस के लिए पानी में रख दिया, 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून चावल का आटा, 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन, 1 टीस्पून नमक, पौ चाय के चम्मच से 1/4 चम्मच खाने का सोडा। अब इसमें डालने हैं करिया पत्ते के पत्ते कटे हुए और हरी मिर्ची चॉप की हुई। अब इसको हम हाथ से मिलाते जाएंगे, ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी इसमें स्प्रिंकल करेंगे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये जो आलू का मॉइस्चर है अगर उससे काफ़ी होगा तो हम न डालेंगे, या थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। नीचे से सूखा सूखा है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। चलिए मैं भीगा सेम तरीके से इसको खुला खुला लेकर इसी तरह छोड़ते जाएंगे ऑयल में। आलू के लच्छों को और थोड़ा सा मोटा कर सकते, ये थोड़ा बारीक हो गए। तो इस तरह से उंगलियों पर रखकर अंगूठे से इसको फैला लेना, एक साइड होने के बाद इस साइड को चेंज करेंगे, जब तक इसको टच नहीं करना। एक साइड हो गई, इसके साइड हमको बदलेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गए, इसको निकाल लेंगे। अब इसमें मोटी मिर्ची को फ्राई करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है मोटी मिर्ची फ्राई करना, जो हम डेली यूज करते सालन में वो भी डाल सकते हैं।
और थोड़ा सा करी पत्ता को फ्राई करके इस पर डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता। और मोटी मिर्ची मेरे पास थी, मैं डाल दी, ये ज़रूरी नहीं है। जो लाल जो सूखी बारीक मिर्ची आती है अपन सालन में जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो डाल सकते हैं। माशाल्लाह तीन किस्म की पकौड़ियाँ बने और माशाल्लाह तीन भी टेस्टी है और क्रिस्पी है। आलू की पकौड़ी, आलू को और थोड़ा मोटा मोटा कद्दूकश करें तो आलू के नज़र आता और अच्छा लगता। ये भी माशाल्लाह प्याज की पकौड़ी, प्याज का फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा दिखता। ज़रूर बनाइए, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तीन बनाना ज़रूरी नहीं है, जो आपको अच्छी दिखे वो बना सकते हैं। पालक की पकौड़ी बिल्कुल आसानी के तरीके के साथ, टिप्स एंड ट्रिक जो मैं बताई बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाले टिप्स है ये। कुछ भी मैं ऐड नहीं करी इसमें, जो चावल का आटा डाली उससे इसमें क्रिस्पी बनाया। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है, मेरे चैनल पर है, और ये टोमाटो के केचप है, ये इसकी वीडियो है डालने वाली हूँ मैं, इंशाल्लाह जल्दी डालूँगी, आप देख के बनाइए। अब रमज़ान में ये चीज़ें बना के रखेंगे तो ख़राब नहीं होती महीना भर, उसके साथ आप सर्व कर सकते। चलिए, मेरी पकौड़ियों की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।